हेलो, गुड इवनिंग। मैं अजय कुमार, यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर में। आज हम एलसीएम और एचसीएम लेके आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तीय। ओके गाइज, आज हम लोग एक नया टॉपिक पर बेहिचक तरीक़ा से चर्चा करेंगे। ठीक है ना? आज हम लोग एक नया टॉपिक पर पूरा बेहिचक तरीक़ों से चर्चा करेंगे, एलसीएम और एचसीएम। देखो, एंड एचसीएफ, ठीक है ना? देखो, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं गाइस, क्या देखें, इसमें मल्टीपल, इसमें फैक्टर यूज हुआ है नहीं? तो ये होता क्या है, मल्टीपल, ठीक है ना? और दूसरा एक यूज हुआ है फैक्टर। फैक्टर मल्टीपल और फैक्टर का मतलब होता क्या है? नहीं, कहने की मेरी क्या मकसद है, फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले चर्चा करना होगा, ठीक है ना? मल्टीपल्स और फैक्टर्स, यहीं से हम लोगों को एक चीज़ पता चल रहा है गाइस, कि एल सी एम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स, रुकिए गाइस, थोड़ा सा मेरा रेबिट इधर उधर जा रहा है, तो थोड़ा हम रेबिट को देख रहा हूँ। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा के लिए रुकिए, हम तुरंत आ रहा हूँ आपके बीच। ओके, तो हम लोग क्या क्या देखे गाइस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है ना? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हम लोग देखिए, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि ये दो शब्द जो इसके साथ यूज होता है, मल्टीपल मतलब क्या होता है, जैसे 4 का मल्टीपल लेता हूँ, ठीक है ना, 4, इसका मल्टीपल 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, डॉट 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 40 तक, ठीक है ना? कुछ लिमिट वैल्यू ले लिए, फिर हम एक और मल्टीपल ले सकता हूँ 8 का, 8 हो सकता है, 16 हो सकते हैं, 32 होंगे, फिर 40 होंगे, 24 हम छोड़ दिए कहीं क्या, 24, 32, 40, डॉट 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 डॉट, मान लेता हूँ 80 तक, ठीक। तो फैक्टर्स क्या होते गाइस, कोई एक नंबर से उठाता हूँ, जैसे 16, इसका फैक्टर 1 भी होगा, 16 का 2 होगा, 3 नहीं होगा, इसका फैक्टर 3 नहीं होगा, 4 इसका होगा, 5 क्या फैक्टर होंगे क्या, नहीं 5 नहीं होंगे, 6 होंगे क्या, 6 नहीं होंगे, 7 होंगे क्या, 7 नहीं होंगे, 8 होंगे क्या, हाँ 8 होंगे, 9 होंगे क्या, नहीं, अब तो इसका इधर फैक्टर होंगे ही नहीं, सीधा अब 16 होंगे। तो हम लोग क्या देखें गाइस, कि फैक्टर्स जो होता है ना, कोई एक टेबल्स होता है, जैसे 16 का टेबल में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 8 भी होता है और 16 भी होता है। ये आपका हुए फैक्टर्स, ये क्या हुए आपका, फैक्टर्स।
फैक्टर्स, ठीक है ना। जैसे फैक्टर ऑफ ट्वेल्व्स, तो ट्वेल्व का फैक्टर क्या क्या होंगे? एक होंगे, दो होंगे, तीन भी होंगे, चार भी होंगे, क्या पांच होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे गाइस, पांच छः होंगे, हाँ बिल्कुल छः होंगे, फिर इसके बाद ट्वेल्व होंगे, छः के बाद डायरेक्ट उसका डबल होता है ट्वेल्व। यहाँ पे जैसे एट हुआ था ना, इसका डबल होता है इसका फैक्टर, ठीक है ना। तो आप लोग फैक्टर्स थोड़ा सा रुके गाइस, आप लोग तुरंत रुके, फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। फैक्टर आप लोग देखिए, और एक चीज़ ये देखना है कॉमन मल्टीपल क्या होता है, हम ये एक चीज़ पे पहले चर्चा करेंगे, बेसिक चीज़, ठीक है ना। आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ, जैसे एलसीएम और एचसीएफ में ये जो यूज होता है, हम जीरो से एकदम जीरो से कोशिश करूँगा पढ़ाने का, ठीक है ना, जीरो से एकदम। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ आज एक न्यू चैप्टर में लेकर आपके बीच में आया हूँ, अरिथमेटिक्स का, ठीक है ना। मैं बहुत जल्द अरिथमेटिक्स का, ये है एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट वन वीडियो है, ठीक है ना गाइस। तो आप देखिए, इसके बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका यही तो थोड़ा गड़बड़ होता है, आते रहता है यहाँ पे ना बच्चा, अच्छा थोड़ा उड़ा गड़बड़वा देता है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में समझ गए होंगे। फैक्टर्स वे होते हैं जो कोई टेबल का टेबल, जैसे यहाँ पे देखिए 12, 1, 2, 3, 4 और 6 और 12, ये इसका क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए, जो टेबल के अंदर में आता है। मान लेता 12 के अंदर ही सब आता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, जिसका हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, देखो फैक्टर्स एग्जैक्टली डिवाइड होगा, जैसे 12 से एग्जैक्टली ये क्या होगा? डिवाइड होगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये कोई एक मान लेता हूँ 32 का फैक्टर, बहुत सारा हो सकता है 28 का फैक्टर, मल्टीपल जैसे 5 का मल्टीपल, 5 या 5, 5 टू या 10, 5 3 या 15, ये सब इसका क्या हुआ? मल्टीपल्स हुए। क्या हुआ? मल्टीपल्स हुए, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छी तरह से लिखते चलिए, ठीक है ना। हम लोग आज दो चीज़ देखें, मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में, ठीक है ना। क्या क्या देखें? मल्टीपल एंड फैक्टर्स के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए कॉमन मल्टीपल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है ना, और कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग कॉमन मल्टीपल चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कॉमन मल्टीपल, उसके बाद लिस्ट कॉमन मल्टीपल पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या चर्चा किए गाइस, देखिए पहले हम लोग चर्चा किए मल्टीपल पर। मल्टीपल क्या होता है? जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 4 का मल्टीपल क्या लगेगा? 4, 8, 12, 16, .. जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 का मल्टीपल क्या लगेगा? 10, 20, 30, 40, .. फिर एक लेते हैं हम लोग 12 का मल्टीपल क्या लगेगा? 12, 24, 36, 48, .. तो ये जो होता है ना मल्टीपल, कोई टेबल का मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल हो उन्हीं को बोलते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे 12 का फैक्टर 1 भी होगा, ठीक है ना, फिर इसका 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 का टेबल में 12 नहीं आता है, फिर इसका 6 भी होगा, बस इसका इतने होगा फैक्टर्स। मान लेता हूँ 15 का फैक्टर्स 1 भी होगा, 3 होगा, 2
टू नहीं होगा, टू का टेबल में 15 नहीं आता है, 5 होगा, उसके बाद 5 के बाद 10 ये सब नहीं होगा, डायरेक्ट 15 होंगे। ये हुए इसका फैक्टर्स जी, ठीक है ना। जो 12 के अंदर सब समाया हुआ ये इससे ये डिवाइड होती है, उसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होता है इसके बारे में देखिए गाइस, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कॉमन मल्टीपल्स वे होते हैं, जैसे कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, कॉमन होना चाहिए, जैसे 4, 3 और 2 लेता हूँ, ठीक है, जैसे 4, 8, 12, 16 डॉट 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 इन्फिनिटिव, 4, 4, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट 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 इन्फिनिटिव, 4 मान लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इन्फिनिटिव, तीनों में क्या कॉमन है, 12। तो बोलेंगे 3, 4 and 2 का कॉमन मल्टीपल क्या है गाइस, 12 है, ठीक है ना। यही होता है कॉमन मल्टीपल, जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है ना, क्या हो, कॉमन, ठीक है ना, क्या हो, कॉमन, तीनों में कॉमन मिला ना। फिर एक ले सकते हैं हम लोग, देखो मान लेता हूँ 3, 5 and 15 का कॉमन मल्टीपल 15 होता है, ठीक है ना, होगा ना, मतलब 3 का टेबल में देखो 3, 6, 9, 12 और 15। फिर देखो 5 का टेबल में 5, 10 और 15, और देखो 15 का टेबल में एक बार में 15 आता है। तो आप देखिए गाइस, ये कॉमन मिल गया, ठीक है ना, यही होता है कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो आप कॉमन मल्टीपल समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब कॉमन मल्टीपल के बाद हम लोग आते हैं, देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ठीक है ना, क्या लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है, ठीक है ना, लिस्ट जिसका लिस्ट मतलब क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे गाइस, लिस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे कम, मान लेता हूँ कि एक एग्जांपल्स में लेता हूँ उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ, मान लिया जाए एक एग्जांपल्स में लेता हूँ, 3, 6, 9 थोड़ा जगह छोटा हो जाएगा, मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, उसके बाद देखना अच्छी तरह से समझ में आएगा, आप लोग इसको उतार लीजिएगा साथ ही साथ तो बेस्ट रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब एक बार अच्छा से गौर से देख लीजिएगा, उसके बाद आप उतारिएगा। तो देखिएगा इसमें क्या कर रहा हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ठीक है ना। फिर देखो 4 का टेबल में लिस्ट क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है समझा रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28,
बत्तीस, छत्तीस, चालीस, ठीक है ना। फिर आप देखिए, मान ले जाता हूँ दो का ही टेबल में, दो का टेबल में लेफ्ट नहीं फोर सिक्स का टेबल लेता हूँ, सिक्स का नहीं, बेस्ट क्या रहेगा? रुकिए हम बता रहे हैं तुरंत, हम जो टेबल बोल रहा हूँ वहाँ सिक्स का ही ले लेते हैं ना। अच्छी बात है, हम सिक्स भी ले रहा था। सिक्स का टेबल में आप देखिए क्या होगा, छः, बारह, अठारह, चौबीस, तीस, छत्तीस, ठीक है ना। फिर आप ले सकते हो छत्तीस के बाद बयालीस, अड़तालीस, ठीक है ना, और जो भी हो चौवन, साठ, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस इसमें से लिस्ट मतलब कौन कौन ये तीनों में मिल रहा है। एक पहला कदम हाथ रखें, बारह मिल रहा है। तीसरा कदम में क्या रंग मिल रहा है भाई, देखो तो चौबीस मिल रहा है। तीसरा क्या मिल रहा है, चौबीस के बाद और कुछ मिल रहा है क्या, देखो तो चौबीस के बाद और कुछ मिल रहा है क्या, मान लेता हूँ आगे बढ़ जाता हूँ तैंतीस, उसके बाद छत्तीस, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों में छत्तीस भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक बारह आया, चौबीस आया, छत्तीस आया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है तीन, चार एंड सिक्स का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, बारह, ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स। तो बोल रहा है कि देखो इसका ये जो है थ्री फोर सिक्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है लीस्ट, सबसे नज़दीकी, जल्दी से जल्दी कौन सा मल्टीपल से कट जा रहा है। तो देखो पहले कौन कट रहा है, बारह कट रहा है, तीन का टेबल से भी बारह, चार का टेबल से भी बारह, छः का टेबल से भी बारह। तो सबसे कम कौन आया, बारह ही आया ना। तो इस कंडीशन में इसका जो एलसीएम आप ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, बारह ले सकते हैं, ठीक है ना। लिस्ट मतलब सबसे कम, जल्दी से जल्दी, जैसे तीन बटे चार प्लस चार बटे पाँच प्लस पाँच बटे बीस। तो इसका एलसीएम क्या हुआ गाइस, देखो चार का टेबल में क्या बीस आता है, हाँ, पाँच का टेबल में, हाँ, बीस का टेबल में बीस आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बीस, इस कंडीशन में बीस आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं जो समझाना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था कि लिस्ट मतलब कम से कम होनी चाहिए। जैसे कि थ्री फोर सिक्स का टेबल से ट्वेल्व भी काट रहा है, ट्वेंटी फोर भी काट रहा है, थर्टी सिक्स भी काट रहा है। जब देख रहा है कि थ्री फोर और सिक्स का टेबल में ट्वेल्व ही पहले ही तीनों टेबल से कट रहा है, तीनों का टेबल से मतलब थ्री का टेबल से, फोर का टेबल से और सिक्स का टेबल से ट्वेल्व ही पहले कट रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जब ट्वेल्व ही है तो हम लोग चौबीस और छत्तीस को देखने का कोई ज़रूरी नहीं है, उधर हम लोग को जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। यही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कम से कम। जैसे कि कम से कम बारह आ गया, बारह मिल गया, बस हम लोग समझ गए ओ यहाँ से कोई मतलब नहीं है। बस इसी तरह इस मतलब तीन और चार और छः का मल्टी एलसीएम क्या होगा, बारह होगा, ठीक है ना, बस आंसर हो गया। यही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। और एक एग्जांपल से आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या करने का मतलब है, मान लेता हूँ पाँच छः और पाँच छः सात आठ ले लेता हूँ, छः भी लेता हूँ, सात भी लेता हूँ, आठ भी लेता हूँ। अब देखिए कहीं मिलेगा तब ना, नहीं मिलेगा। इस तरह मान लेता हूँ मैं पाँच ही ले, पाँच भी नहीं मिलेगा। आप कुछ ऐसा लीजिए, ठीक है ना, मल्टीपल आपको जब भी लेना पड़ेगा ना गाइस तो ऐसे लेना पड़ेगा।
मान लेता हूं कि 4, 8 और 12, ठीक है ना, ये भी इसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, इसका ये क्या होना चाहिए, फैक्टर, तब इसका मल्टीपल जल्दी से जल्दी मिलेगा। 4 × 4 = 8, 12 = 16, 20, 24 उसके बाद 28, 32, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, 8, 16, 24, 32, 40, 12 दोनों देखो, कहने का मतलब है 12, 24, ठीक है ना, 36 और 48, ठीक है ना, इससे जाते रहेगा डॉट 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 डॉट। तो हम लोग देखें कि देख लिए यहीं पे वो 24, इसमें भी 24 है और इसमें भी है, इसमें भी है, सब में मिल गया, तो समझ गए 4 और 8 और 12 का LCM क्या होगा, 24 होगा, यही आपका आंसर, ठीक है ना। ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का मेथड। आप फिर एक एग्जांपल से और देख लीजिए, ठीक है ना, मान लेता हूँ एग्जांपल्स ये रहेगा कि 6, 18, ठीक है ना, आप देखिए 6, 12, 18, 20, 56, 36, ठीक है ना, 42, ठीक है, फिर देखिए 12, 24, 36, 48, 65, 60, 72, मतलब 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, 18 × 7 = 72। तो आप देखिएगा इस एक चीज़ हम देखें तीनों में अख्यास की क्या कि 36 इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, क्या उससे कम नंबर दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 36 तीनों में मिल रहा है, तो 6, 12 और 18 का LCM जो होगा वो 36 होगा। ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की मेथड, ठीक है ना। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की कितना मेथड होती है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग, अब आज मैं SCF की ओर नहीं जाऊंगा गाइस, LCM का पूरा कंडीशन ख़त्म करूंगा, उसके बाद मैं LCM की ओर जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप देख लिए कि इसका मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं, ठीक है ना, इसका मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं। आगे जो बच गई वो अगला क्लास मैं देखूँगा, पहले लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पूरी चर्चा करूँगा। कहता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल की वह छोटी से छोटी संख्या जो कि प्रत्येक दी गई संख्या का पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, जो पूर्णतः विभाजित दी गई संख्या का पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, जैसे 4, 8 और 12, मान लेता हूँ यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है ना। तो कंडीशन देखो, 3 × 4 = 4, देखो 4 × 4 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24, ठीक है ना। 3 × 8 = 8, 8 × 16 = 24, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 3, 3 × 9 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24। तो तीनों में कम से कम नंबर, छोटी से छोटी नंबर 24 था, जो कि तीनों का मल्टीपल से, तीनों का टेबल से मिल रहा था। तो 3, 4 और 8 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल 24 होंगे, यही आपका आंसर होंगे गाइस, ओके। तो आप लोगों को ये बात पूरी तरह से पल्ले पड़ गए होंगे, पूरी तरह से पल्ले पड़ गए होंगे, ठीक है ना, आपको ये बात पूरी तरह से पल्ले पड़ गए होंगे, ठीक है ना, छोटी से छोटी होगा। तो देखो LCM निकालने की, LCM मालूम करने का तरीका, LCM मालूम करने की तरीका, हम आज हेडिंग डालेंगे LCM
मालूम करने की तरीका, एलसीएम मालूम करने की तरीका, एलसीएम मालूम करने की तरीका। तो पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। क्या तरीका है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। पहला तरीका है गाइस अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे? एक एलसीएम लेते हैं, जैसे 16, ठीक है ना, उसके बाद 32, ठीक है ना, 16, और उसके बाद आप लेते हैं 16 के बाद 32 एंड 48 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो 16 का फैक्टर कीजिए, 32 का फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 48 का कीजिए, तो 2 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
फिर दो दो चार आठ, फिर दो 16 * 3 = 48। इसका देखिए पावर, 2 पर पावर 4, इस पर 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 1। तो आपको देखना है इसमें एलसीएम इसका क्या आया गाइस, इसका एलसीएम क्या आया, आपका एलसीएम 2 और 3 आया, क्या आया एलसीएम 2 और 3 आया, ठीक है ना। 2 और 3 तो आया, इसका देखना है मैक्सिमम पावर। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है मैक्सिमम पावर, वो उसी को लेना पड़ता है। तो मैक्सिमम पावर एगो 2 पर पावर 5 है और एगो मैक्सिमम पावर 3 पर पावर 1 है। तो सीधी सी बात है 5 वाला हो जाएगा 32 × 3, 32 * 3 = 92 होता है, नहीं आंसर आपका 92 होता है, 32 * 3 = 96 होता है यार आंसर, ठीक है ना। यही होगा 96 इसका एलसीएम होगा, किसका होगा एलसीएम 16, 32, 48 का एलसीएम 96 होगा, ठीक है ना, क्या होगा 96 होगा। वैसे भी हम लोग यहीं से डायरेक्ट करते हैं क्योंकि 32 का टेबल में नहीं, 16 का टेबल में नहीं, 16 * 48 = 96 आप फिर भी एक बार देखते हैं, ओ आ गया तो ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं गाइस, क्या लेते हैं देखिए, मान लिया जाए एग्जांपल्स और एक लेते हैं, मैक्सिमम घात मैक्सिमम होना चाहिए, देखो 12 48 72 एंड 120 का एलसीएम क्या होगा, ये एग्जांपल सब लीजिए, 12 का फैक्टर कीजिए, 48 का कीजिए, 72 का कीजिए, 120 का कीजिए, ठीक है ना, धड़ाधड़ कीजिए 2 × 2 × 3, ठीक है ना, फिर इसका होगा 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है ना, फिर आप इसका करते होंगे क्या होता होगा गाइस आप ही बताइए, तो क्या होगा देखिए, इसका होगा आपका 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है ना, फिर 120 का क्या होता होगा गाइस, 120 का ये होता होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 15 × 8 = 120, ओके गाइस। आप देखिए 2 पर पावर 2 × 3 पर पावर 1, फिर देखिए 2 पर पावर 3 × 3 पर पावर 1, फिर देखिए 2 पर पावर 3 × 3 पर पावर 2,
फिर देखिए 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 1 इंटू, फिर देखो सॉरी गाइस 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। तो इसका एलसीएम जो होगा गाइस वो क्या क्या होगा, 2, 3 और 5 होगा, ठीक है ना, ये याद रखना। इसका 2, 3, 5 का जो जिसका पावर क्या होगा, पावर मैक्सिमम होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। किसका किसका पावर मैक्सिमम है, ठीक है ना। एक है मान लेता हूँ सब में 2 पर पावर 3 है, ठीक है ना, 2 पर पावर 3 है। एक 3 पर पावर 1 है, नहीं 3 पर पावर 2 होगा, क्या होगा गाइस 3 पर पावर 2 होगा, ठीक है ना। 2 पर पावर 4 कहीं तो होना चाहिए था ना, कहीं मैं मिस्टेक क्या हूँ, आई सॉ दैट माई मिस्टेक्स। 48, ओ गाइस 2, 4, ठीक है ना। तो 4 हो गया, उसके बाद 3 पर पावर 2, ठीक है ना, इंटू 5 पर पावर 1। तो इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आएगा आंसर, ठीक है ना। कितने आएंगे, 720 आएंगे। यही इसका क्या होएगा इस एलसीएम, ठीक है ना। आप देख लिए ये मेथड्स, एक ये मेथड यूज फैक्टराइजेशन मेथड से आप बना सकते हैं। पावर इसमें मैक्सिमम देखना है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि ये मेथड जब हो गए ना, अब हम लोग मेथड बदलते हैं भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। ये पॉइंट नंबर 2, जैसे वही क्वेश्चन है, कोई दूसरा नहीं है। 16, 32 एंड 48 का एलसीएम क्या होगा, तो 16, 32 और 48 एक साथ सबको भाग दीजिए। पहले 2 से देंगे 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा। फिर आप 2 से दीजिए 4 होगा, 8 होगा, ठीक है ना, उसके बाद 12 होगा। फिर आप 2 से दीजिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। फिर आप 2 से दीजिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना, सब अलग अलग हो गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1 इंटू 3, तो वही आया 96 आंसर, ठीक है ना। आ गया ना, कितना आएगा 96, 32 3 96, ओके। तो आप लोग भाग विधि द्वारा बनाइए तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब फिर एक एग्जांपल आप देखिएगा इस, ये तो आपसे बन ही जाएगा ना। एग्जांपल्स और एक देखिए, 12, ठीक है ना, उसके बाद 48, 72 एंड 120 का एलसीएम क्या होंगे गाइस। तो आप देखिए, कहने का मतलब है कि 12, ठीक है ना, क्या लीजिए 12, 48, 72 एंड 120, ठीक है ना। तो आप देखेंगे क्या, इस तरह का क्वेश्चन जब रहेंगे ना, तो आप 2 से 6, 24, 36 और 60, ओके गाइस, ओके गाइस। फिर देखो 2 से 3, 12, 18, 30, ओके गाइस। फिर देखिए आप 2 से 3, ये तो नहीं कटेगी, 6, 9, 15, अब इससे भाग लगने वाला नहीं है। फिर 3 से देखिए, 1, 2, 3, 5, सब अलग अलग आ गए, नहीं। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 720 आंसर्स, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा। तो इस तरह भी आप एलसीएम पता कर सकते हैं, ओके गाइस। आप क्या क्या देखें, भाग विधि द्वारा ऐसे बनता है, ठीक है ना। एलसीएम निकालने की तरीका हम बता रहे हैं, दोनों का आंसर एक ही होता है। अब तीसरा विधि इसमें देखिए, भाग भिन्न भिन्न का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। भिन्न का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, भिन्न का एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे।
तो देखिए इसका एग्जाम्पल सब देखिए, मान लेता हूँ a बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ, ऐसे रहा, ठीक है ना, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स रहा। तो जब आप एलसीएम पता कीजिएगा ना गाइस, तो आप क्या कीजिए, ए सी एंड ई का एलसीएम निकालिएगा, नीचे बी डी एंड एफ का एचसीएफ फाइंड कीजिएगा, ठीक है ना, और जो आएगा वैल्यू वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके गाइस, फाइनली जो आंसर आएंगे उसको लिखिएगा। ओके, यही होता है इसका एलसीएम पता करने का। आप एग्जांपल्स देख लीजिए, ठीक है ना, आप क्या देखिए, एग्जांपल्स देखिए, आप एग्जांपल्स देखिए, जैसे सात बटे, देखिए सात बटे नौ, फिर आप ले सकते हैं गाइस चौदह बटे पंद्रह एंड सात, चौदह बटे पंद्रह ले लिए ना, उसके बाद सात बटे दस ले सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लीजिए आप, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका आप एलसीएम पता कीजिए, कैसे कीजिएगा पता, तो देखिए जब एलसीएम पता करना हो ना, तो सात चौदह और सात एंड सात का एलसीएम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नाइन फिफ्टीन एंड टेन का एचसीएफ। तो आप लोग को ये पता है गाइस इसका एलसीएम क्या होगा, फोर्टीन ही होगा ना, इसका एचसीएफ क्या होगा आप ही बताइए, इसका एचसीएफ एकदम 100% वन होगा, ठीक है ना, क्या होगा, वन होगा। नीचे का एलसीएम सर्वदा वन होगा, याद रखिएगा, वन हो सकता है, आप निकाल के देखिएगा ना, आपने पता चल जाएगा। जैसे नौ का नौ का दस में निकालिए, एक बार में नौ बचा एक, नौ नौ बार में नौ कट गए, खत्म। वन से फिफ्टीन में एलसीएम दीजिएगा, सीधा बात है, एक बार में फिफ्टीन बार में डायरेक्ट कट, फिर एक बार में देखो, एक बार में कट्टी फाइव, एक फाइव फाइव बार में, तो सीधी बात है एक ही आएगा ना इसका एलसीएम, है हाँ एक ही आएगा, हाँ। तो इसका फाइनली आंसर क्या होंगे गाइस, चौदह, ठीक है ना। तो इसका जो एलसीएम होगा कितना होंगे, आंसर्स कितने होंगे गाइस, चौदह होंगे, ठीक है ना, इसका आंसर्स कितने होंगे, चौदह होगा। तो आप आगे देखिए, ठीक है ना, क्या होगा, चौदह। तो आप देखिए इसका एलसीएम पता करना है तो कैसे पता करना, मान लेता हूँ कि आगे देखते हैं एग्जांपल्स, टू बाई थ्री, ओके गाइस, टू बाई थ्री, उसके बाद आपका क्या है, थ्री बाय फोर, क्या है, थ्री बाय फोर एंड उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वन बाय, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए गाइस, वन बाय नाइन और सेवन बाय टेन, ठीक है ना, वन बाय